नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे इस अद्भुत ब्लॉग में। आज दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने गांव आया हुआ हूँ, तो अपने जो घर है आज, हालांकि यहाँ एक टीचर रहते हैं, लेकिन फिर भी जब घर आए हैं तो घर की साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा हमने अभी फ़िलहाल कमरे में अभी धुआं लगाया था, हल्का धुआं आप देख रहे होंगे, और काफ़ी दम सा घुटने लग गया था तो बाहर रख दिया है। अब फिलहाल दोस्तों घर की सफाई चल रही है, और हम सफाई कर लेते हैं। कृपया बने रहिए इस अद्भुत ब्लॉग में, धन्यवाद। इस कमरे में छोटी सी खिड़की है तो बहुत ही धुआं भरा हुआ है। ऐसी फिलहाल लाइट भी नहीं है तो भी इस चढ़ लगा रहे हैं फिलहाल। ओहो, बाहर निकलो रे, ढूंढ रहे हो है क्या? ढूंढ रहे हो? देखिए दोस्तों, बच्चे भी आए हुए हैं, मेरे फैंस भी हैं ये। अब मैं ये यहाँ बोर हो रहे थे तो मैं इनको यहाँ बगल की दुकान में बॉल लेने भेज रहा हूँ, उसके बाद ये खेलेंगे। हेलो बोलो बच्चों। चलो फिर तुम बॉल ले आओ। तो इतनी गंदगी निकल चुकी है, मिट्टी देख पा रहे होंगे आप, क्योंकि यहाँ दीमक इतनी है कि दरवाजों में इतनी दीमक लगी हुई है। लिखना फोंटीन छाड़ी आयु, लिखना फोंटीन छाड़ी आयु, स्कूल बस्ता में लगना माया तोड़ी आयु, हाँ लगना माया तोड़ी आयु, अब रही बस्ता में जू जू रलाई माँ। तो यहाँ तक पानी आ चुका है, झाड़ू लगा दिया है। ये देखिए यहाँ से खोल दिया गया, यहाँ दिखाओ, अब यहाँ से पानी दिखाओ। अच्छा बैठ के दिखा दो। अब देखिए दोस्तों यहाँ से आने लग गया है पानी। है हमारे पिताजी की बुआ जी, यानी कि हमारी बुआ जी, इनके द्वारा सफाई का विशेष ध्यान दिया जा रहा है, देख पा रहे होंगे आप, बहुत अद्भुत। इसके साथ थोड़ी मंदिर की भी सफाई की जा रही है। ये देखिए ये भगवान वेंकटेश है मेरे ख्याल से, क्योंकि एक बार जब पापा साउथ गए थे तो वहाँ से लेके आए थे इनको। तो पूजा भी हो चुकी है। जय भगवान। तो यहाँ चारपाई बिछा दी है, अब जो ऊपर हमने गद्दे सुखाने रखे हैं वो ले आते हैं। पानी पिला दे पनेरा पानी, तेरे खुटी सलामा, तेरे खुटी सलामा। आपको एक चीज दिखाता हूँ। तो आपने शहरों में जो मसाला दानी होती है वो स्टील के बर्तनों में या प्लास्टिक के बर्तनों में देखी होगी, लेकिन पहले के समय में इस प्रकार से मसाला दानी बनाई जाती थी, जिसे बिस्नौर कहा जाता था। इसमें आप देख पा रहे होंगे, इसमें पांच खाने बना रखे हैं और साथ में इसमें हैंडल, इसको पकड़ने के लिए। देखिए दोस्तों, लकड़ी का है और इसको लगभग मतलब 30-35 साल से तो मैं इसको देख ही रहा हूँ, शायद उससे ही पुराना है। जब हम बच्चे थे तो हमारे आमा बाबू खाना बनाते थे तो इसमें रखते थे वो, तो ये तब से है। तो इसके बारे में बताना चाहूँगा, जो इसके जो रचयिता हैं वो मेरे परदादा हैं, मतलब मेरे पिताजी के दादा, इनकी बूबू, इनके बूढ़े बूबू हमारे, उनके द्वारा बनाया गया था। तो दोस्तों ये मेरे ख्याल से आज़ादी के आसपास का ही बनाया हुआ होगा। ये ऐतिहासिक है दोस्तों, ऐसी चीज़ें म्यूजियम में रखी जानी चाहिए। बहुत अद्भुत दोस्तों, बहुत अद्भुत। आशा करता हूँ कि आपने भी चीज़ देखी होगी, और नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक रखें अपना ख्याल। नमस्कार मित्रों।